ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय में क्या अंतर है? उसमें एक में ओम लगा है, एक में ओम नहीं लगा, एक पंचाक्षरी मंत्र, एक षडाक्षरी मंत्र है, दोनों का अपना अपना महत्व होता है। तो जो लोग सात्विक प्रकृति के नहीं होते हैं, अब देखो शास्त्र में आता है कि शूद्र और महिलाओं को ओम लगा के जपना नहीं चाहिए, परंतु शास्त्रों में शूद्र किसको कहते हैं ये पहले देखो। शूद्र उनको कहा जाता है, शूद्र केवल इसलिए नहीं कि जो शूद्र जातियों में जो जन्म लेते हैं वो शूद्र नहीं होते हैं, कल हमने इस विषय पर बताया था, मैंने शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, समाज में क्या मान्यता है वो आप लोग वो उसको लेके चलोगे तो फिर वो विषय अलग है, शास्त्र की बात है, कल हमने महाभारत का विषय समझाया। तो जिनमें अध्यात्म के धार्मिक गुण होते हैं, भगवद गीता में भी लिखा गया है कि शम दम तप शौचम शांति आर्दव में वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। तो क्षम दम तप जिनमें तपस्या की भावना होती है, जो शुद्धता से रहते हैं, जो पवित्रता से रहते हैं, अच्छा इसी की चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम की व्याख्या शंकराचार्य जी ने की है, तो उन्होंने भी यही कहा सत्वगुण प्रदान से सात्विकस्य ब्राह्मणस्य समदमादि कर्मः। तो सात्विक और सत्वगुण व्यक्ति को ब्राह्मण माना गया जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि ज्ञान उसी को प्राप्त होगा जिसमें सत्वगुण होगा, सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, रजस में लोभ होता है सब, तो वो फिर जिसमें रजस की प्रधानता होती है फिर वो ब्राह्मणत्व से जो साधना उपासना से नीचे चला जाता, फिर ऐसा आदमी ब्राह्मण ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकता, फिर वो धन की धन उसका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, राज्य उसका जीवन का लक्ष्य बन जाएगा, वो ब्रह्म उसकी लक्ष्य नहीं रहता है जीवन का, तो वो रजस प्रवेश कर जाता है। और कलयुग में क्या है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, तामस ज्यादा है और रजोगुण कम है। तो इसका व्याख्या शंकराचार्य जी ने, जो शंकराचार्य जी जो हुए हैं उन्होंने चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम इस श्लोक की है, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक है। तो आप उसको पढ़ोगे तो देखेंगे कि ये इसमें उन्होंने जो इसका समाधान यही दिया है, यही बताया गुणों के आधार पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो सात्विक उपासना करेगा, शुद्धता रखेगा, पवित्रता रखेगा, वही ब्रह्म की उपासना करेगा। और ओम जो है वो एकाक्षर ब्रह्म माना गया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरम यह प्रयाति तजम देयम स याति मद्भावकता। तो जो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम को एकाक्षरी ब्रह्म माना गया है, अर्थात ओम की उपासना करना सीधी ब्रह्म की उपासना करना, ब्रह्म की उपासना करना मतलब ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना, ब्राह्मणत्व का मतलब शुद्धता पवित्रता तपस्या, ये उसके गुण है, ये गुण जिनमें वो ब्राह्मण है। तो ये है शास्त्र का विधान। अब क्या होता है कि भाई जैसे मान लो जो जो जिसने IAS और PCS पास किया उसी को ना तुम कलेक्टर और मानोगे, उसको मान लोगे कि भाई जिसको उसके लड़के हो गए, बच्चे हो गए, परिवार के लोग हो गए, उनको कुछ कुछ पढ़े लिखे हो गए, कुछ अनपढ़ हो गए, कोई कर्मचारी हो गया, कोई कुछ भी हो गया, उनको तो तुम कलेक्टर और ISS मानकर तुम गद्दी पे नहीं बैठा सकते हैं। और बैठा दोगे तो फिर सोच लो फिर क्या होगा समाज की, भाई जो IAS के लड़के को अगर वो IAS की योग्यता नहीं है और उसको तुम बैठा दोगे IAS की सीट कलेक्टर की सीट पर, तो क्या हाल होगा, पढ़ा लिखा नहीं है, कमजोर है, बुद्धि का है, क्या होगा। बस वही चीज अधर्म यही से अभिवृद्धि होती है। तो वो सब चीजें समाज में, क्योंकि जन्म को आधार बनाकर ये सब चीजें जब समाज में फैल गई तो अयोग्य लोग, अधार्मिक लोग भी जो उसमें होगा, तो ऐसे लोगों के लिए ओम की उपासना नहीं की जा रही क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना है। इसीलिए जो लोग फिर ऐसे लोग ओम की उपासना करते हैं या फिर यज्ञ पवित्रता यदि धारण करते हैं, शुद्धता से पवित्रता से रहते हैं, तो महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जो लोग पवित्रता से नहीं रहते, शुद्धता से नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को ओम की उपासना नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म की उपासना के योग्य नहीं होते। महिलाओं को भी उसमें इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि महिलाओं का जो शरीर होता है जो मासिक अवस्था में वो अशुद्ध होती है, फिर वो संतान क्या भी रहता है, गर्भधारण होगा तो वो 9 महीने उसमें चले जाती, बच्चों पे ध्यान देना है, फिर उसको घर गृहस्थी की जिम्मेदारी होती है, एक महिला सुबह से उठती है तो रात तक उसका पूरा खाली समय उसके पास नहीं है, तो इसीलिए वो साधना नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाओं में कोई विद्वान नहीं हुई है ना, कई भी ऐसे गार्गी जैसे भी कई विदुषिया हुई है, तो ऐसा निष्पक्ष रूप से। और फिर ये भी कहा गया है कि आप साधना के द्वारा उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, अगर आप ऐसी स्थिति है कि नहीं भाई हम उस अवस्था में जन्म लिए हैं, कुछ भी ऐसे अशुद्ध रहते थे, पहले आप शुद्ध होना चाहते तो हो जाओ, ऐसा तो नहीं कि जो लोग आज आप तुम मांस खाते थे भाई हमारी गलती होती थी, अब हम सुधरना चाहते हैं, हम साधना करना चाहते हैं, तो आप क्रम से आगे बढ़ सकते हो, ये शास्त्र में लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसा कि उसी में वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ, ब्राह्मण नोयम तपसुग्रहण प्राप्तवान मसी कौशिक, ये कौशिक विश्वामित्र जी को ब्रह्मा जी कहते कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुमने उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। महाभारत में क्या हुआ कि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप पहले सब ब्राह्मण ही थे, कोई सबसे सृष्टि के आरंभ हुए तो सब सारे नव ऋषि उत्पन्न हुए, नव ऋषियों से हम लोग उत्पन्न हुए सब लोग, उस समय पर्टिकुलर कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था,
न कोई शूद्र उत्पन्न हुआ था, न कोई वैश्य उत्पन्न हुआ था। फिर कर्म के आधार पे जैसे जैसे कर्म करते गए वो फिर उनका विभाजन होता गया कि नहीं भाई जो कर्म कर रहा है वो उसी को माना गया, भाई जो घड़े का बनाने का काम करता है कुम्हार हो गया। अब लेकिन मान लीजिए वो कर्म नहीं कर रहा है तो कुम्हार नहीं रहा ना, वो लोहे का काम कर रहा है तो लोहार हो गया। तो कर्म आधारित ये सब पदवियां हुआ, मतलब एक उसको एक दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि नहीं उसका लड़का है तो वही रहेगा, तो फिर उसी को बैठा दे जिसको घड़ा बनाना भी नहीं आता है। कुम्हार का लड़का है तो उसी से घड़ा बनवाओगे, बनाना आता नहीं है तो क्या करोगे, फिर वो क्या करेगा, कैसा घड़ा बनाएगा फिर। लोहार लोहार का लड़का है तो भाई ऐसे ही सब चीजें लागू होते हैं। व्यापारी के लड़के के पास व्यापार बुद्धि नहीं होगी तो वो फिर वो वैसे नहीं बन, व्यापारी नहीं बन सकता। ऐसे ही क्षत्रिय के घर में अगर कोई क्षत्रिय योद्धा के गुण नहीं होंगे तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। ऐसे जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। ये बात है, यही शास्त्र में आया हुआ है, महाभारत उसके लिए प्रमाण है, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। इसी आधार पर ये सारी वर्ण व्यवस्था बनाएगी साधना के आधार पर। तो जो लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए ओम का जाप करना चाहिए, जो ब्रह्म की उपासना नहीं करते वो ओम नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है तो आप ओम लगा के जप कर सकते हैं, फिर आप वो फिर आप अगर आपके जीवन का लक्ष्य ईश्वर है तो आप शूद्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप आपके अंदर ब्राह्मणत्व ब्रह्म को आप लक्ष्य बना लिए हो। महिलाओं में भी अगर ऐसा विचार आता है कि नहीं हम जप करते हैं तो कौन उनको मना करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलती है, ओम नमः शिवाय बोल ही रही है, गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः बोलकर पढ़ ही रहे हैं, तो कौन पढ़ेगा, सब लोग नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है वैसे। अगर उधर स्वभाव जा रहा है, मन लग रहा है, पढ़ रहे, तो आप फिर उसका मतलब यह है कि आप उस कैटेगरी से ऊपर निकल चुके हो। यही सत्यता है, यही व्याख्या है। अगर आप इसको सत्यता को नहीं स्वीकार करते हो तो आप कभी अध्यात्म को समझोगे नहीं, धर्म को समझोगे ही नहीं, यही शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यदि नहीं किसी विश्वास हो तो आप महाभारत पढ़ के देख लीजिए, शांति पर्व में 188 और 189 का अध्याय पढ़ लीजिए आप लोग, क्या लिखा है उसमें। और भगवत गीता के चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म स्वभाव विभाग से, जन्म कर्म स्वभाव विभाग से लिखा नहीं है। क्षमतमादि कर्म उसमें लिखे, दान ज्ञान विज्ञान आस्ती के ब्रह्म कर्म स्वभाव अजम शब्द है, जन्म जम नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब स्वभाव होता है। मेरा जैसे स्वभाव है कि मैं ईश्वर की उपासना करूं, मेरे जैसे स्वभाव होता है कि, तुमने कहा ना अभी कुछ लोगों ने कहा कि बजरंग बाण सब लोग नहीं पढ़ते, मजाक उड़ाते, हंसी मजाक करते, क्योंकि वो उस ब्रह्म की उपासना नहीं कर सकते, उनका स्वभाव नहीं है। तो कहाँ से वो, तुमको बजरंग ना नहीं पढ़ सकते तो ओम कहाँ से पढ़ेंगे, साधना कहाँ से करेंगे, क्योंकि प्रकृति नहीं, उनका स्वभाव नहीं है। तो वो सूत्र है प्रकृति के अनुसार, गुण कर्म के आधार पर वो शूद्रत्व को प्राप्त हो चुके, तो इसीलिए वो वैसे ही कर्म कर रहे हैं, इसलिए वो अधिकारी नहीं है साधना उपासना के। अब जैसे हमारी यज्ञशाला है तो हम किसको अंदर प्रवेश करने देंगे, जिसने भाई शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखेगा, जिसको मंत्र पढ़ना आता होगा, जिसको सत्कर्म करना आता होगा, उसी को ना बैठाएंगे। कि कोई भी आ गया वहां पे मजदूर लकड़ी पे, बोले हाँ गुरु जी हम भी बैठ जाते हैं यज्ञशाला पे, ऐसे थोड़ी किसी को बैठने देंगे। और ये हर हर नियम है ना भाई, जो आदमी है तुम कलेक्टर की जगह कलेक्टर ही बैठेगा, जिसमें कलेक्टर की योग्यता तो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा, और जिसके अंदर कर्मचारी की योग्यता वो कर्मचारी की कुर्सी पर बैठेगा। अब कर्मचारी का लड़का कलेक्टर नहीं बन सकता क्या, पढ़ लिख के अगर मान लो योग्यता रखता है, और कलेक्टर का लड़का कर्मचारी भी बन सकता है। अब जन्म के आधार पर अगर ये व्यवस्था बना दी जाए तो क्या कैसी अराजकता फैल जाएगी, यही अराजकता धर्म के क्षेत्र में फैल गई। जबकि शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि मैंने ही रचना की और गुण कर्म के आधार पे की, और तुम लोग कुछ लोग जो उसमें जबरदस्ती जन्म कर्म के विभाग से मानते हैं। वर्ण व्यवस्था के बाद ये सब जातियां आ गई, इसका लाभ उठाया विधर्मियों ने, विदेशियों ने, फूट डालो और राज करो, वो आज भी फूट पड़ी हुई है। एक दूसरे के प्रति द्वेष है, एक ही शरीर के जो हाथ है, दो हाथ दो पैर है, फिर भी एक दूसरे के प्रति जो है हानि उठा के बैठे हुए। तो हम लोग अब एक दूसरे के प्रति द्वेष रखेंगे कब तक रखेंगे, ये मूर्खता बस अशास्त्र चीजें कब तक चलेगी, और ये अब रहेगा इसके, ये सब मूर्खता अज्ञानता धार्मिकता बनी रहेगी तो क्या धर्म का उत्थान होगा, और नहीं। धर्म का उत्थान नहीं हुआ तो राष्ट्र का उत्थान कहाँ से होगा, संस्कृति का उत्थान कहाँ से होगा। दुर्गति को तो लोग प्राप्त होंगे ही होंगे, अधार्मिक चीजें होंगी, प्रेतत्व को प्राप्त होंगे, क्योंकि जिसको धर्म कर्म कांड पता ही नहीं है तुम उससे कर्म कांड कराओगे, जिसने शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है, तपस्या नहीं की, ज्ञान उसमें जो है समदम तप शौचम के जो गुण ही इसके अंदर नहीं है, शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं है, शराब पी रहे और भागवत कथा भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का क्या उद्धार होगा फिर बताओ। ये ऐसे लोगों से तुम भागवत कथा कराओगे तो वो तुम्हारे पितृगण कौन से लोक में जाएंगे, तुमको तो सही ही सोच लो। तो इसलिए समदम तप शौचम शब्द है कि शुद्धता होनी चाहिए, अंदर बाहर की पवित्रता होनी चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, और ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, ज्ञान भी होना चाहिए और विज्ञान में भी उसके आस्था होनी चाहिए। और ये सब कर्म है ब्रह्म कर्म, ये सारे कर्म ब्रह्म कर्म है, वो ब्राह्मण है, और ये स्वभावजम है ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कौन कह रहा है, भगवद गीता में कह रहा है, कौन कह रहा है, भगवान कह रहे हैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा।
अब ये बात गलत, अगर भगवत गीता में बात गलत लिखी है तो फिर भगवत गीता को जला दो, फिर रखो ही मत। क्यों भगवत गीता के ऊपर तुम शपथ लेकर जो है कहते हो कि हाँ मैं अपने भगवत गीता पर शपथ हाथ रखकर शपथ लेता हूँ, क्यों तुम उसको धर्म ग्रंथ मानते हो? या तो भगवत गीता में जो लिखी हुई बात है उसको मानो, या तो फिर भगवत गीता को तुम लोग उसको बिल्कुल ही रखो मत, उसको धर्म ग्रंथ मत मानो। धर्म ग्रंथ मानते हो धर्म ग्रंथों की बात मानो। अगर धर्म ग्रंथ में जो जो अर्थ लिखा गया है गलत है तो उसके लिए तुम शास्त्र अर्थ करो, चर्चा करो, लोगों को समझाओ सत्य क्या है, शास्त्र भगवत गीता का अर्थ क्या है, ऐसा क्यों लिखा गया है। अच्छा ये बातें क्या है, चीजें थोड़ी ऐसी है जो थोड़ा सा कठिन है। अब बताओ कि ओम ओम नहीं जपे तो महिलाओं को बुरा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगा सकते भाई? हम लोग कई महिलाओं को बुरा लगेगा कि हम नहीं ओम क्यों नहीं लगा सकते भाई, क्यों नहीं जप सकते? अगर तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति इच्छा हो रही है, ब्रह्म की भगवान से भक्ति की भाव बन रहा है, तो आप लगा सकती हो, तपस्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर शुद्धता पवित्रता का अगर भाव है तो आप ब्राह्मणत्व की स्थिति में पहुंचे हुए। आप क्षत्रिय किसको कहोगे जो युद्ध करता है? क्षत्रिय किसको शास्त्र शास्त्र में किसको माना भाई? शौर्य तेजो धृति दक्ष युद्धि चो अपलायनम। शौर्य तेज धृति और दक्षता हो जिसके अंदर, हो शौर्य हो तेज हो धृति हो दक्षता हो और युद्ध से जो अपलायन नहीं करता था। दानम ईश्वर भावस्य शास्त्र कर्म स्वभावजम, सब जगह स्वभावजम शब्द है। अब जिसमें युद्ध करने का भाव ही नहीं हो, जिसके अंदर वो लड़ाई कर ही नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, तुम उसके हाथ में अगर AK-47 दोगे तो क्या होगा? वो देश की रक्षा कर पाएगा? वो तो बस गोली का आवाज सुना नहीं कि भागा वहां से उड़ के। तो ऐसी इसलिए ट्रेनिंग होती है उनकी, योग्य और पात्र लोगों को वहां पर देश की रक्षा में बैठा जाता है। ऐसे ही धर्म कर्म के क्षेत्र में भी योग्य और पात्र लोगों को बैठाया जाएगा, तब सनातन धर्म का उत्थान होगा। और ये नहीं कि बस जिसको, मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन विचारों को संस्कृत का एक श्लोक नहीं पढ़ना आता, ओम अपवित्र पवित्र वहां भी शुद्धता से नहीं पढ़ सकते, जिन्होंने कभी संस्कृत श्लोक नहीं पढ़ा, वो 500 से 600 शादियां कर लिया, करवा दिया उसने, कर्मकांड पता है, इधर से उधर करना है उधर से करना है, कोई भी मंत्र पढ़ते रहते, क्या मंत्र पढ़ रहे उससे किसी को कोई अंतर नहीं है। पर 500, वो मुझे कहा कि गुरु जी वो मेरे से दीक्षा लेने आया, बोले कि मैंने कहा क्या करते, बोले कर्मकांड करते हैं, मैंने क्या करते, मैंने विवाह करा, मैंने कितने विवाह करा दी, बोले हमने 500 से 600 शादियां करा दी महाराज। मैंने कहा ठीक है एक श्लोक बोल के सुना, उसने वो श्लोक ही नहीं आया उसको, बोले तुम कैसे करते, बोले मेरे पिताजी समझा दिए थे कि विवाह के समय में ऐसे ऐसे कर्मकांड वो करता हूँ, बीच बीच में अपना कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। मैंने कहा वाह बढ़िया काम है। मैंने कहा कि उनका क्या हाल है जिनकी विवाह करा दिया? बोले हमको उससे क्या मतलब है। ये स्थिति समाज में चल रही है। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि हमारे ऋषि मुनि पूर्वज अगर ऋषि मुनि ब्राह्मण ज्ञानी तपस्वी थे, तो अपने बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ाइए ना। तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया, शिक्षा सूत्र त्याग दिए, आप किसी दोस्त को क्यों देते हो समाज को? कोई व्यक्ति अगर तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, गायत्री मंत्र कर रहा है, तो करने दो, कर रहे हैं और करेंगे ही, क्योंकि उनमें उनमें ब्राह्मणत्व है। तुम लोग शूद्रत्व को प्राप्त हो गए, कर्म का त्याग करोगे, अपने कर्म से धर्म भ्रष्ट होता है, तो एक शूद्रत्व उसे उसको चांडाल की योनि में जाता है, इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है। तुम्हारे पूर्वज तपस्वी थे, विद्वान थे, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा असंभव से असंभव कार्य करा लेते थे, आज तुम्हारे लड़के क्या कर रहे? तुम्हारे संतान गुरुकुल में पढ़ रही है क्या? तपस्वी बन रहे, वेद पाठी बन रहे? नहीं बन रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कर्म के आधारित है। आप अगर ब्रह्म करते हो, ब्रह्म कर्म कर्मकांड को ही ब्रह्म कर्म नहीं कहते हैं, भगवद गीता में ब्रह्म कर्म है, ये सब चीजों को समझना। इसलिए यदि कोई भी महिला या कोई भी व्यक्ति यदि ओम लगाकर जपना चाहता है तो वो जप सकता है। शास्त्रों के अर्थ लगाते समय इस प्रकार की चीजों को यदि आप नहीं समझेंगे, इस आधार पर यदि उसका निर्णय नहीं करेंगे, तब आप कभी भी धर्मशास्त्रों का सही अर्थ नहीं लगा पाओगे। और यदि मैं उस शास्त्रों का अगर गलत अर्थ आपको लग रहा है, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तो आप इंटरनेट पर सर्च मार लीजिए और गीता सुपर साइट आती है, उसमें देख लीजिए शंकराचार्य जी ने इसकी क्या व्याख्या की है। शंकराचार्य जी तो बिल्कुल सत्य बोल रहे होंगे ना। तो सत्वगुण जिसमें नहीं है, सात्विक सत्वगुण नहीं है, सात्विकता नहीं है, फिर वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण नहीं है मतलब वो ब्रह्म का उपासक नहीं है। जो ब्रह्म का उपासक है वही ब्राह्मण है। जो राष्ट्र का उपासक है वो क्षत्रिय है। जो धन का उपासक है, गौ माता का उपासक है, पृथ्वी माता का उपासक है, वो वैश्य है। और जो इन सब की सेवा में तत्पर कर्मचारी रूप में जो सेवारत है वो शूद्र है। इसमें जाति का जन्म कहाँ से आ गया? यही शास्त्र में लिखा हुआ होता है। लेकिन इन्हीं चीजों को समाज में ऐसा गंदगी, ऐसे निगेटिविटी, अशास्त्रीय चीजें, क्योंकि शास्त्र सामने है ही नहीं ना, किसके घर में महाभारत है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों को नष्ट करने के लिए, तुम्हारे तुमको धर्म से भ्रष्ट करने के लिए सबसे पहले धर्म ग्रंथों को नष्ट किया, तुम्हारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तुम जाते हो अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो, वही बच्चे को जानते हैं, न वो धर्म ग्रंथ पढ़े हैं,
ना वो तो गुरुकुल रह गए, ना वो धार्मिक स्थान रह गए, ना तुम शंख बजा सकते हो, ना त्रिकाल संध्या कर सकते हो। तुम्हारे शिखा सूत्र काटे गए, जनेऊ उखाड़े गए, तुम्हारे शिखाई उखाड़े गए, जनेऊ तोड़े गए, तो दोबारा पहनाने के लिए तो विचार आना चाहिए, तो वो भी नहीं आया। यज्ञोपवीत संस्कार करना भूल गए, नामकरण संस्कार करना भूल गए, कर्णवेद संस्कार, कौन कानों में कर्णवेद संस्कार कर कुंडल पहना है बताओ, कहाँ चले गए तुम्हारे संस्कार? तो पतन तो हुआ है ना, इसको क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम पतभ्रष्ट हुए हैं? समाधान ये है कि वापस उसी जगह पर आए जो शास्त्र ने हमें बताया, सनातन धर्म क्या होता है, संस्कार क्या है। संस्कार विहीन, ये संस्कारों का त्याग कर दिया, संस्कार विहीन कोई भी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक नहीं कह सकता। केवल तिलक लगा देने से और गले में माला रखने से धार्मिक नहीं होता है। धर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, धर्म का जीवन होना चाहिए, धर्म में जीवन होना चाहिए, आपके जीवन में संस्कार होना चाहिए, आपको पंच महायोग का आचरण करना चाहिए। आज तुम्हारे पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध हमें सिखाना पड़ रहा है, श्राद्ध कैसे, तर्पण कैसे करना पड़ता है, पहले घर घर में सब लोगों को पता होता। तो इसलिए ये सारे विषय, महिलाएं ओम नहीं लगा सकती है, शूद्र ओम नहीं लगा सकते, तो भाई ठीक है ना, और कौन सी महिलाएं नहीं लगा सकती है, शूद्र कौन है ये तो पहले पता करो। शास्त्र में शूद्र किसे कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र, ये तो सब लोगों को पता है, जन्म से हर कोई शूद्र, ये कैटेगरी होती है, एक स्तर है, जैसे विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है, फिर विश्वविद्यालय होता है, ऐसी कैटेगरी है। जो ब्रह्म के उपासक है वही है, तो जो साधक है साधना करे, इसमें कोई भेद नहीं है शास्त्र में, इसीलिए पुराण आदि का वेदों का बनाया। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग स्पष्ट रूप से शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं होते, जो बनी बनाए धारणा है उसी पर समाज को ढकेलना चाहते हैं, उसी पर समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। परिवर्तन तब आएगा जब आपको शास्त्र का अध्ययन करोगे, शास्त्रार्थ करोगे, शास्त्र चर्चा होगी, सारे लोग इस विषय पर खड़े होंगे, विचार करेंगे। और जन्म से ही तुम लोग मानते हो तो करो भाई, उसमें भी क्या समस्या है, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करें, शिखा सूत्र रखे, गुरुकुल बनाओ, तपस्या करो, यज्ञ करो, जगह जगह यज्ञ होने लग जाए, घर घर में यज्ञ अग्निहोत्र हो, किसको समस्या है, क्यों नहीं करते? स्वयं तो करना है नहीं, दूसरों को करने देगा नहीं, ये राक्षस है सिर पे बैठे हुए, इनके माथे पर, इनके जो पूर्वज जो है दुर्गति को प्राप्त हुए और यही ब्रह्म पिशाच बनकर इनके माथे पे बैठ गए। अब शंख भी बजाने में इनको घर में कष्ट होता है, बजरंग बाण पड़ते तो कहते सिर भारी हो रहा है हमारा, पितरों को सर्पण तर्पण श्राद्ध करना कैसे करना चाहिए वो पता नहीं है, शिखा सूत्र तो बोले बोले हमें रखते ही नहीं है, कर्णवेद संस्कार पता नहीं है, नामकरण संस्कार पता नहीं, पुंसवन पता नहीं है, तो गर्भाधान तो छोड़ ही दीजिए, अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो रहा है, विवाह संस्कार भी ढंग से नहीं हो रहा है, रात के 12 बजे निशाचरों की तरह तो विवाह करा रही है, निशाचर विवाह हो रहे हैं। अब अकल आ गई इतने दिनों के बाद कि नहीं, अब प्रातःकाल होना, दिन में होना चाहिए, अब चर्चा चल रही है कि नहीं दिन में होना चाहिए, अब तक क्यों करवा रहे थे? क्योंकि राक्षस बैठे थे ना माथे पर, निशाचरों की तरह नाच रहे, पिशाचों की तरह कूद रहे हैं डीजे पर, तो क्या होगा? ये सब विवाह है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है, यही संस्कार है, यही विधि विधान है। वो एक तसले में तुम लोग जो है वहां पर रखकर वो यज्ञ करवा रहे, हवन करवा रहे, चिता की तरह लकड़े सजाए जा रहे, यज्ञ कुंड है ही नहीं, वेदी बनाकर भी लोग हवन नहीं करा सकते, जमीन पे करा दे रहे हैं हवन, तो क्या होगा वो विवाह? हमारे सनातन धर्म में कभी विवाह विच्छेद नहीं हुआ करते थे, आज क्यों इतने सारे पति पत्नी अलग रह रहे हैं, क्यों एक चीजें हो रही है? ये इसलिए कि अधर्मता फैली हुई है, ये घोर अधर्मता, अधर्मता के स्थिति में हम लोग है, क्योंकि हमने धर्मशास्त्र का विरोध किया है ना, उल्लंघन किया है। यह शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परामगति, हमने भगवान के वचनों को भी नहीं जानते हैं। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करोगे तो सदगति कहाँ से होगी, प्रीति होने में जाओगे, वो गए सारे लोग। इसका समाधान ये है, जो शास्त्र में लिखा है वो आचरण करे, पूरा समस्त सनातन धर्म के सबको करना पड़ेगा। आज दुर्गति का कारण ऐसे नहीं है, ये सब तभी सुधर आओगे जब ये शास्त्र में आए, तस्मात शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र में क्या लिखा है पता करो, शास्त्र में क्या लिखा है उस पर चर्चा करो, शास्त्र में क्या लिखा है उस अनुसार आचार संहिता बनाओ, सब लोग आचरण करने लग जाए, ये सनातन धर्म का उत्थान होगा। और शायद मैं जो बोल रहा हूँ, इतनी बोलने के साहस और हिम्मत अब किसी में बची भी ही नहीं है, इस विषय को छेड़ना भी नहीं चाहता है, जो चल रहा है चलने दो, अधर्म जा रहा है तो अधर्म जाओ, राक्षस को पूजे राक्षस को पूजे। अभी कई कई पिशाच जो है वो सिद्ध प्रेत सिद्ध करके जो है सन्यासी बाबा के नाम पर या किसी के नाम पर जो है घरों में प्रेतों की आहुति डलवा रहे थे, उन्होंने कई अपने मंत्र बना लिया, लेकिन किसी ने बोला क्या किसी धर्माचार्य ने कि भाई तू ऐसे मंत्र क्यों बना सकता है, ये कौन से देवता का मंत्र शास्त्र का है क्या, कोई बोला क्या? नहीं बोला। इन प्रेत पिशाचों के सामने सब लोग सरेंडर हो गए, तो ये किस बात के जगत गुरु, किस बात के धर्माचार्य ये लोग? केवल किसी ने एक भूत सिद्ध कर ले, प्रेत सिद्ध कर ले, तो सबको पता है कि प्रेत सिद्धि से क्या हो सकता है, तो सब लोगों को प्रेत उपासना में लगा दो, क्या दिक्कत है? फिर देवी देवता को उखाड़ के फेंको सारे, क्यों भागवत महापुराण करते, कोई प्रेत पुराण बना लो,
पिशाचों को सिद्ध करते, राक्षसों से कोई पूछो, खुलकर बोलो ना, फिर समस्या क्या आ रही है? सब जान रहे कि यार इस व्यक्ति ने प्रेत सिद्धि किया, पिशाच सिद्धि किया, भूतकाल बता सकता है, भविष्यकाल बता नहीं सकता है, दो चार लोगों का सबका नहीं बता सकता है, प्रेतों की मर्यादा होती है। हमने गुप्त भारत की खोज में एक पुस्तक थी उसमें समझा दिया था कि ऐसे ऐसे चीजें होती है, पर किसी के भेजे में घुस ही नहीं रही सब चीजें। कोई धर्माचार्य ने विरोध नहीं किया, सब क्यों? क्योंकि उस योग्य नहीं है ना, धर्म को ज्ञान, धर्म का चोला तो पहन लिया है, जगत गुरु की पदवी भी लगा ली हो सामने, लेकिन धर्म का आचरण के लिए तपस्या चाहिए, तप चाहिए, तब ये जीवन में ब्रह्म की उपासना चाहिए, तब आपको ब्रह्म क्या होता है समझ में आता है, तब देव शक्ति आपके शरीर में उतरती है और आपको धर्म का ज्ञान देते हैं, रहस्य का ज्ञान देते हैं। तो ये चीजें हैं, ब्रह्म कर्म करो आप, तब आप वो चीजें हैं। तो यदि कोई नहीं करता है, तो जो लोग कर रहे हैं, तो इनका मतलब यह है कि स्वाभाविक रूप से उनका मन ईश्वर में जा रहा है, ईश्वर की ओर अग्रसर है, तो ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर है। ऐसे लोग कर सकते हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे कोई भी, वो शूद्र शूद्र नहीं है, भगवद गीता में उसमें महाभारत में लिखा हुआ, फिर वो शूद्र शूद्र नहीं और फिर वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, इसका मतलब यह है कि वो ब्रह्मत्व की ओर अग्रसर है। ये महाभारत में, और महाभारत का प्रमाण अंतिम प्रमाण है, यन्न भारत है तन्न भारत है, जो महाभारत में लिख दिया, जो महाभारत से, तो भगवदगीता है, भगवदगीता हमारा संस्कृति ग्रंथ है। तो कहने का मेरा तात्पर्य वही बातें मैं शास्त्र के समझा रहा हूँ, वही चीजें समझ में आती है, समाज समझ लेता है तो ठीक है, नहीं तो भाई पूजो, जिसको जो समझ में आ जाए पूज रहे, जा जिसको समझ में आ कर ही रहे, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो क्या है वास्तविक धर्मशास्त्र वो आपके समक्ष रख दिया है। आगे समाज की इच्छा किस दिशा में जाना है, कि करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जब प्रश्न आया तो उत्तर तो मुझे देना पड़ेगा, भाई सत्य कहूं तो जग रूठे और झूठ बोलूं तो राम, तो मैं झूठ क्यों बोलूं भाई कि राम हमसे रूठ जाए, जगत रूठता है तो रूठने, तो हमें क्या दिक्कत है? हमारा जो प्रारब्ध शरीर का है, जो दो रोटी हमें मिलना है, वो तो कहीं से भी मिल जाएगी, जंगल में चले जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगी, जनता के भरोसे थोड़ी हम लोग यहाँ पे धरती पे आए हैं, जब हमें हमें थोड़ी पता था, जब दांत नहीं थे तब हमें दूध की व्यवस्था किसने की थी, वो पिलाने थोड़ी आया था हमें, तो हम तो अपने राम के लिए हैं, कृष्ण के लिए हैं, शिव के लिए हैं, भगवती के लिए हैं, तो बस वो अपना काम कर रहे हैं। अब जिनको लगता है कि संसार को पड़ी है, संसार में रहना है, जो ये सोच के आए हैं कि नहीं इसी संसार में रहना है परमानेंट, इन जिनको पीआर मिल गया है, परमानेंट रेजिडेंस लेके आ गए हैं, तो अपना रहे वो, समाज की चिंता करे, हमको तो अपने बस राम से मतलब है, अपने धर्म से मतलब है, धर्म शास्त्रों से मतलब है, और अपनी सदगति से मतलब है। जिनको अपनी सदगति चाहिए, ईश्वर चाहिए, वो ईश्वर के मार्ग पे चले, जिनको अपना समाज चाहिए, समाज को संभाले। तो हमारा तो जो सत्य, जब तुमने विषय रखा तो हमने बोल दिया, बाकी नारायण जाने।